हम 6 सितंबर हमें दफाए पाकिस्तान के हवाले से एक छोटा सा प्रोग्राम मुनाकद कर रहे हैं। उसका आगाज़ मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की हमद और सना से शुरू करती हूँ और मैं दावत देती हूँ 9th क्लास की आयशा कि वो आए और अल्लाह हमें अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह ताला की तिलावत के बारे में के हवाले से हमारे दिल को शाद और आबाद। जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया।
अफवाह पाकिस्तान के मुताबिक हमको आगाह करने के लिए नाइन्थ क्लास की अक्सा याकूब को बुलाती हूँ ताकि वो हमें अपने ख्याल का इजहार करके हमें यौम दफा पाकिस्तान के मुताबिक कुछ बताए। बातिल से दबने वाले, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, सौ बार कर चुके हैं इम्तिहान पूरा हम। जनाबे सदर मोहतरम उस्ताद ज़ाकराम और मेरे अम्मा के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर लखनऊ का मौका मिला है उसका इनवान है यौम दिफाए पाकिस्तान। 65 की जब जंग हुई, 65 की जब जंग हुई दुनिया कुफर पर तंग हुई, 65 की जब जंग हुई दुनिया कुफर पर तंग हुई, रहमत हमारे संग आया था दबाने दब गया बातिल, आया था दबाने दब गया बातिल, आया था झुकाने झुक गया बातिल, आया था मिटाने मिट गया बातिल, आया था मिटाने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ खुद वहाँ पर कातिल, बजाल हक व ज़हक बातिल, इन्नल बातिल कौन ज़हूर का। सदर अलबकार हिम्मत और जुर्रत और बहादुर से मिले शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की तरीक को यौम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आलिम अकबर चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा जब मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंक और तोपों की फौज लेकर मेरे मुल्क की सरहदों पर चढ़ाई कर दौड़ा। मेरे मुल्क दुश्मन जनरल चौधरी का ये काम क्या था कि वो फौज पाकिस्तान की हालत नींद में दबोचेगा, मगर वो नहीं जानता था, उसे इलम नहीं था कि मेरे सरहदों के मुहाफिज मेरी मिलत के रखवाले पिछली रातों को जा कड़बे कायनात के हजूर अपनी शहादत की दुआएँ मांगते हैं। जनाबे वाला मेरी मिल्लत के मुहाफिज उठ खड़े हुए, हिम्मत और हिम्मत और बहादुरी का लबादा ओढ़ा और चौंडा के मुकाम पर दुनिया के सबसे बड़े टैंकों की कब्रिस्तान बना दिया। शहादत की मतलाशी मेरी शाहें ओढ़े और 52 सेकंड में दुश्मन के 5 जंगी जहाज उड़ा दिए और बता दिया कि शेर की कुछ हार में हाथ डालने वाले का क्या इंजाम होता है। हम गजनबी, हम गजनबी तुम बुत शकन, हम गजनबी तुम बुत शकन, तुम ओढ़ हो हम ओढ़ हैं, ए सोमनाथ ए बरहमन तुम ओढ़ हो हम ओढ़ हैं। सदर अलबकार मेरे मिल्लत के एक एक सितारे में इतने शोले हैं कि अगर इनकी आग बड़क उठी तो एक आतिश पिशा पहाड़ से ज़्यादा तबाही कर डालेंगे। सदर अलबकार कि मेरे वतन के सिपाही एक ओम हैं कि तमाम जमातें तमाम फिरके तमाम नौजवान मुतहद होकर अपने मुल्क की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। हम तहतो तखत में से एक चुना करते हैं, हम तहतो तखत में से एक चुना करते हैं, हम अजबो शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, तोप क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ेद चीर कर दिया करते हैं। हम जिंदा कौम हैं, हम परिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम परिंदा कौम हैं, हम सबकी पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के बाद अब मैं 9th क्लास की अंबर मुनीर लड़की को दावत देती हूँ कि वो आए हमें यौम दफा पाकिस्तान के बारे में मिली नगमे से रोशनास कर। तेरे और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ,
और मेरी गुजारिश है कि सारी क्लास खड़ी हो जाए।